ये कहानी है एक ऐसे गरीब इंसान की जो कि 10th फेल अपने घर से निकाल दिया गया था, जिसका घर यही वाला था और इसके माँ बाप ने इसे गुस्सा होकर इस घर से निकाल दिया था। अब वो रोज़ आता था और इस कंपनी को देखता था, उसे इतनी बड़ी कंपनी लगती थी, उसका मन करता था जाए अंदर, लेकिन वो जब भी जाने की कोशिश करता गार्ड उसे वहाँ से भगा देते थे। तो उसने ठान लिया अब मैं कोई ऐसा बड़ा बिजनेस करूँगा कि माँ बाप मेरे खुद मुझे लेने आए। तो चल पड़ा, उसके पास कोई गाड़ी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो पैदल जाने लगा। तभी उसको एक इंसान ने आवाज़ लगाई पीछे से, वो मुड़ के देखा उसने और उस इंसान ने उसे धक्का मार के गिरा दिया। वो फिर से उठा और उस लड़के ने जब देखा उसके पास, उस अंकल के पास H2R है, तो वो जैसे उसको छूने गया उस अंकल ने उसे धक्का मार के पीछे कर दिया। फिर वो इंसान, अरे भाई, उस इंसान ने बोला कि तुम्हें एक मैं डेयर देता हूँ, तू अगर मेगा रैम को पार कर जाएगा तो फिर तुझे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे और तुझे इस कंपनी में जॉब मिल जाएगी। तो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो गया, इसी खुशी के चलते उसने एक और धक्का दिया उसे कस के। लेकिन उसने कहा कि जो अंकल थे उन, तो अंकल ने मुझे गिरा के बोला कि जा तू लोकेशन में जा, पहले जीत किया तभी तो तुझे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो भाई यार, उनने मुझे लोकेशन भेज दिया और मैंने जैसे ही क्लिक करा मैं अपनी, उनने मुझे लोकेशन पे भेज दिया। वाह यार, ये तो गाड़ी उन्हीं की है। अरे वाह, लगता है मैं अमीर हो गया क्या। चलो इस पे बैठे। आई, मेरा पिछवाड़ा चल गया, बहुत गर्म है यार धूप में। भाई पानी डालना पड़ेगा इसमें, रुक जाओ। चलो भाई यार, अब जल्दी से पानी डाल दिया, हम लोग जल्दी से बैठते हैं यार इस गाड़ी के ऊपर। तो भाई चलो यार, हम लोग चलते हैं। ओ भैया, अरे डिसबैलेंस हो रही है यार, आज के पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई है। ओए ओए दई, अरे बच गए यार, ये तो बड़ा कठिन ढेर है यार, कैसे होगा यार। आप लोग लाइक करो तभी हो पाएगा ये आधी वाला ढेर। धीमे। और भाई अब मैं चल पड़ा, चलो। आई 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 यार, ये तो बहुत कठिन ढेर है यार, मेरे मुंह से पूरा पान थूक गया यार। कोई बात नहीं, मैं इस ढेर को पूरा करके रहूँगा। चलो फिर से ट्राई करें गाइस, यार मुझे 10 करोड़ की कसम मैं इस डियर को कंप्लीट करूंगा ही। तो जल्दी से घुमा के चलते अपनी गाड़ी को उधर की साइड। अबे घूम जा। ओ आई दैया, क्या हुआ, ये मैसेज क्या आ रहा है। अरे दैया सर, मुझको गाली दे रहे हैं यार, गलती हो गई, उनकी गाड़ी फोड़ डाली मैंने। कोई दिक्कत नहीं, अब ट्राई करेंगे हम लोग फिर से। ओ ओ ओ ओ ओ भैया, हाँ ठीक। अरे यार, अगर ये डेयर कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ऊपर से धक्का मार के भगा दिया जाएगा। तो यार थोड़ा ध्यान से, मुझे हो रहा है डेयर हो रहा है, धीमे। यार नहीं यार, अभी क्या होगा यार बचा के यार। ये भाई ब्रेक मारे गाइस, यार सब्सक्राइब कर दो यार मैं मर जाऊंगा, मुझे 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़। अरे भाई, 10 करोड़ की जगह मिल गए मुझे, मिल गई। आई आई कहाँ लग गई भैया। ओ भाई, ये क्या, मेरे 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ रुपए हैं। ये गाड़ी गायब क्यों नहीं हुई, लगता है अंकल ने मुझे दे दिए। अब अंकल की तो ऐसी की तैसी, हमारे पास आ गया पैसा। चलो जल्दी चलते हैं हम लोग शोरूम में, अपने लिए नए नए कपड़े और नई गाड़ी और गोल्डन रोल्स रॉयस खरीदेंगे। भाई ये देखो, छोटी मोटी गाड़ी पे पहले मतलब यहाँ से बाइक खरीद लेते हैं। तो भाई उतरते हैं, यहाँ सामने मिलती तो है यार, लेकिन अभी देखते। तो भाई यार, मैंने सोचा उस गाड़ी पे JCB कलर करवा ले, तो भाई वो वाली हमारी दूसरी पहले वाली गाड़ी पड़ी है, हम लोग ने नई ले ली है। अब हम लोग चलेंगे। ए मैडम जी, हटो ना। हाँ चलो हट गई। चलो अब हम लोग चलते हैं कार को लेने, आज तो भाई हम लोग माला माल हो जाएंगे। ओ माला माल थोड़ी है। आई आ यार, मुझे गाड़ी चलानी अभी तक नहीं आई। चलो अब गोल्डन हम लोग थार लेने चलते हैं। चलो भाई, तो भाई हम लोग ने ले ली है अपनी गोल्डन थार, हम लोग चलते हैं। हम लोग ने अपनी JCB वाली कलर शायद यही कुछ था, तो उस वाली बाइक को हम लोग ने अपने घर पे रख दिया है। अब हम लोग चलते हैं यार। अब हम लोग यार गरीब जैसे कपड़े पहने, कपड़े भी खरीदे। रुको। ओ भैया, क्या ये बोनट टूट गया क्या, ये क्या हुआ मेरी गोल्डन थार को। भाई कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चलते हैं, चले कपड़े खरीद लें यार, ऐसे गरीब जैसे नहीं चलेंगे हम लोग। भाई ब्रेक कहाँ है। आई दैया, एक्सीलेटर दब गया। तो पहले हम लोग नंगे बुंगे गाय चलने, कपड़े पहले खरीद ले रहे यार। तो यार हमारी अमीरी तो कुछ कम थी नहीं, हम लोग ने कपड़े के साथ साथ एक गन भी खरीद ली एकदम। ये गेट कौन खोल के चला गया भाई, गैंगस्टर वाली फीलिंग लाने के लिए हम लोग ने गन भी खरीद ली है। अब भाई चलो चले यार, अब लास्ट हम लोग को गाड़ी लेनी है, जो कि यार सबसे भयंकर, इस दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है। तो भाई हम लोग को लोकेशन तो मिल गई है, चलो एक स्टैंड भी कर लें अपने गोल्डन रोल्स रॉयस के साथ। ओ धूम मचा ले। ओ भैया,
हमारे। और तो गाइस मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था यार, लालच में मैं आके क्या कर गया, तो मुझे किसी ने हॉस्पिटल में बैठा लिया, मैं एकदम सही हो गया हूँ। तो अब यार हम लोग को जो एक अपना काम करना था, वैसे यार ये हॉस्पिटल था, अब हम लोग ने इस हॉस्पिटल को खरीद चुके थे और इसका हम लोग ने एक घर बना लिया था। लेकिन यार हमारे मम्मी पापा कहाँ चले गए, उनसे मिलने चलते हैं पहले। चलो भाई चले पहले मम्मी पापा से मिलने, यार चले कि ना चले। चलो तो गाइस हमारे पापा करके आए थे नशा यार, यार मारने लगे पता नहीं, इनसे बोला था साला नशा ना किया कर, लेकिन तब भी नशा नहीं छोड़ा, बदतमीज। मम्मी से बताएंगे पापा को, ये पापा भी नशे में इसलिए कुछ जान नहीं पा रहे, चलते हैं हम लोग मम्मी के पास यार, इनकी मम्मी को बता के आएंगे। और बेटा तुम कौन हो? मम्मी मैं आपका लड़का जिसको आपने घर से बाहर निकाल दिया था, आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ। है बेटा तुम ही हो? बेटा मैं तुमको बहुत याद कर रही थी। मम्मी मुझे भी आपकी बहुत याद आई, आज मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बन चुका हूँ। क्या बेट? और मम्मी जो आपको पीछे बिल्डिंग देख रही हो ये वाली, ये भी अपनी हो चुकी है अब। क्या बेटा हम लोग तो झोपड़ में पट्टी में रहने लगे थे। थैंक यू बेटा तुमने हमारा नाम रोशन करा। मम्मी उसकी कोई बात नहीं है, आज आप लोग की वजह मैं इतना अमीर बना हूँ, अगर आप मुझे घर से बाहर नहीं करती तो आज मैं वहीं पड़ा होता घर पे। आओ मम्मी चले हम लोग अपने घर। तो भाई यार आज के लिए बस इतनी ही वीडियो है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को करना लाइक, और भाई बाय बाय। लेकिन यार मम्मी से एक चीज़ कहना तो भूल गए, मम्मी आपको पता है पापा वहाँ दारू पी रहे हैं, उन्हें आज बेलन से मारना।